दुबई में हेल्पर की एक घंटे की सैलरी कितनी होती है, ऐसा एक मेरे भाई का सवाल था। तो जाहिर सी बात है कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया इस सवाल ने कि आखिरकार भाई ने ये सवाल किया तो उसका जवाब मैं कैसे दूँ। तो थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ बिल्कुल, अगर आप यूएई में एक घंटे की सैलरी भी जानना चाहते हैं तो वो भी आपको पता चलेगा वो, और एक घंटे की सैलरी भी यहाँ पे होती है। कैसे होती है वो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दरअसल जो हेल्पर होते हैं वो दो प्रकार की कंपनियों में आते हैं। पहली कंपनियाँ वो होती हैं जो कि वर्करों को मंथली बेस पर रखती हैं, और दूसरी कंपनियाँ वो होती हैं जो वर्करों को रखती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी सप्लाई बेस पे। मान लो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान से कुछ एजेंटों ने क्या किया, 8-10 लोगों को हायर करके यूएई भेज देते हैं और यहाँ पे किसी ना किसी सप्लाई कंपनी को दे देते हैं, और सप्लाई कंपनियाँ फिर उनसे अपने हिसाब से काम करवाती हैं, ठीक है। और उनको फिर सैलरी उस हिसाब से मिलती है कि आपको वहाँ पे 4 घंटे काम करने, आपको वहाँ पे 8 घंटे काम करने, आपको वहाँ पे 10 घंटे काम करने, फिर उनको घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है। और अगर हम सैलरी की घंटे की बात करें कि एक घंटे में उस बंदे की सैलरी कितनी होती है, जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं ना वो आपको, जो नॉर्मल हेल्पर होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी और काम में, जैसे हमारे पीछे पार्क में भी कुछ लोग काम करते कर रहे हैं, तो अगर इनकी सैलरी मैं महीने की बात करूँ तो इनकी 1100 ऐसी होती है, और अकोमोडेशन बहुत सी कंपनियाँ देती हैं, बहुत सी कंपनियाँ नहीं देती हैं। वहीं पर अगर हम सप्लाई कंपनी की बात करें तो सप्लाई कंपनियां आपको एकोमोडेशन कुछ नहीं देती हैं, और अगर घंटे के हिसाब से बात करो तो ये कम से कम आपको 5.5 दरहम से लगा के 8 दरहम, 9 दरहम, 10 दरहम ऐसे भी पैसे प्रोवाइड करवा देती हैं एक घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भाई ये कह रहे थे कि एक घंटे की सैलरी कितनी होती है यूएई में, तो आप देख सकते हो 5.5 से लगा के 10 दरहम के आसपास भी, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब वो कंपनी आपकी सप्लाई कंपनी को पे आउट कितना कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप लोग खुद समझदार हो कि आपका इतने पैसों में क्या होगा, कितना पैसा आप बचा सकते हो। मतलब अगर आज हम करंट टाइम की बात करें तो यूएई का 1 दिरहम इंडिया में तकरीबन 22 रुपये से 22.08 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका ना कितना सेटेबल रहेगा, आप कितना यहाँ पे बचा सकते हो, कितना नहीं बचा सकते हो। मेरा काम है आप लोगों के सवालों का जवाब देना। कोई भी सवाल आता है यूएई से रिलेटेड, कुछ भी जानना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ऐसी और मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रहते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।